खाली बार खाली ये गली भुलाने वाली दिन के सवालों पे रातों का जवाब जो बचा के रख चुके हो देखो वो भी बन गए हैं कल के इमारतों पे आज का हिसाब खाम खाई गिन रहे हो हम वो सदी जो बीत जाएगी बेमतलब 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 कॉलेज में गए थे हम खजुराहो ट्रिप पे देखा था वहां वो स्टैचूज इस्मत चुगताई की लिहाफ भी पढ़ी है मैंने कई बार पर कभी सोचा नहीं था क्या कि दो लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हो सकते हैं नहीं कि मैं एक औरत जेंडर निकाल देना अट्रैक्शन में से कैसे निकालूं तुम्हें पता है अपनी सहेलियों के साथ कितनी बार एक ही बिस्तर में टाइम स्पेंड किया है कितनी शामें गुजारी है एक ही कंबल के अंदर एक दूसरे के सामने कपड़े बदले हैं पर ऐसा कभी नहीं महसूस किया जैसा मैं तुम्हारे साथ फील करती हूँ कभी किसी के साथ फील नहीं किया इट्स सो डिफरेंट इट्स लाइक लाइक अ वर्जिन Touch for the very first time. Stop it. I'm serious. About me? Yeah. That too. पर पता है तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो ऐसा लगता है तुम मुझे मेरे दिल में क्या है मेरे मन में क्या है you, it's like you know what I want. तुम मुझे पहचानती हो इट्स नॉट लाइक लाइक हेमंत वो मुझे कब से जानता है पर उसके साथ ऐसा नहीं है लाइक डॉगी फन इन द हनीमून स्टॉप इट मैं सेक्स की बात नहीं कर रही हूँ कनेक्शन की बात कर रही हूँ जो हम दोनों के बीच में है I felt like I lost my virginity with her. पहली बार किसी ने मुझे महसूस किया है सिर्फ मेरी बॉडी को छुआ नहीं है लाइक माई सोल मेड लव Not my body. गलत कर रही हूं ना मैं But it felt right. पीपी के साथ एक झटके में समझ में आ गया लव और सेक्स का कोई कनेक्शन है ही नहीं पता है लव इज बियॉन्ड एवरीथिंग लव इज बियॉन्ड सेक्सुअलिटी इट्स बियॉन्ड कंडीशनिंग इट्स बियॉन्ड जेंडर मैंने इतना इंटेंस कनेक्शन कभी किसी के साथ नहीं फील किया She accepted me with मेरी सारी imperfections के साथ I'm not the same I will never be the same Hello
अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, तो होता रहता। टिमसी की शादी हो गई है, खाने सीट देख ली, बच्चे मम्मी डैडी बबूदी सब बाहर हैं, मुदसर के यहाँ। A promise is a promise. Husband wife special time. कर ले। Husbands always want to fuck the moment their wives have sex with someone else. It's like an innate sensory perception. जैसे कोई जानवर हवा में मस्क सूंघ के तैयार हो जाता है. My dear friend, your husband's mind may not know it yet, but his dick certainly does. तेरा अफेयर खुल जाएगा पीयू. Fuck यार. Fuck पीयू. Just divorce him. मैं फिर से नहीं सुन सकती इसकी स्टोरी. I need a new story. तेरा pansexual nature accept करने वाली वो goddess कहाँ है? This Aastha? She's running late. Yeah. बबो ये तो बताओ, भाई साहब नहीं आए आपके साथ? नहीं नहीं, वो आने वाले थे, बट लास्ट मिनट हमारी ब्राजील की फैक्ट्रीज में कुछ काम निकला है, तो काफी अर्जेंट था तो चले गए। चलो कभी तो आएंगे। सही कहा है ना? सही बात है। यही प्रॉब्लम है। आई नो दे आर ऑलवेज बिजी। आस्था समोसे तो ले आओ। जी ला रही हूँ। समोसे और चटनी बहुत कमाल है, है ना? तू ना साल में दो बार आएगा बाबू। आ तू ना 15 साल में एक दफा आ जाएगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मनाली तो ले जाता हूँ। थैंक यू। थैंक यू बाबू दी, मुझे जरा जाना है टेलर के यहाँ। मैं निकलूँ? अच्छा आज मेरे फ्रेंड्स आए, कल चली जाओ। वो एक्चुअली कल गांव चला जाएगा टेलर, तो इसीलिए आज चली जाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, सैंडविचेस तो ले आओ पहले। पर ये समोसे बहुत अच्छे हैं। अरे इसलिए तो कह रही हूँ बाबू के साल में दो बार आएगा, मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी। कंजूसी देखो, साल में दो ही दफा खिलाएगी। सैंडविच, वाओ सैंडविचेस। ओके मैं चलूँ? तेरा खाना खा चुकी हूँ मैं। अच्छा ठीक है। हाँ नहीं ठीक ही है, ठीक ही है, तो फिर इनके घर चलते हैं। मम्मी ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? पेट पे रैश है उसके। नहीं मैंने चेक किया, बुखार भी है। अरु आज दादा दादी के रूम में जाके सो जाओ, वरना आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। कैसा है बच्चा? मम्मी सब कुछ संभाल लेगी, ठीक है? अच्छा हुआ ना कि रैश था, चिकन पॉक्स नहीं। बट मैं तुम्हारे दोस्तों को मिल नहीं पाई। आई एम रियली रियली सॉरी। इट्स ओके, दे कूल। नहीं इट्स नॉट कूल। कल तक अकी का फीवर कम हो जाएगा, मैं कल टाइम निकाल के तुम्हें मिल सकती हूँ। तुम बोलो कब मिलना है। आस्था इट्स ऑल राइट, पहले बच्चे का ख्याल रख लो। एक्चुअली वो बारिश में भीग गया, मैंने देखा ही नहीं, जब तक मैं उस तक पहुंची भीग चुका था। There's no need to feel guilty. मैं समझती हूँ, the kids come first, as they should. मैं यही हूँ तुम्हारे लिए। How are you like this? तुम्हें पता है? तुम बिल्कुल डिमांडिंग नहीं हो, बिल्कुल पानी की तरह हो, फ्लूइड, नो स्ट्रेस। ऐसा नहीं है, एजाज होता तो बताता। When I'm in love, I'm quite the monster. So, you are not in love? I don't want to be, but I am. What? In love.
लव। और तुम? माँ से बात कर रही थी। ग्लास आइस। थैंक्स। आइस एक सेकेंड। सॉरी। और कुछ? ओके। गुड नाइट बाबूदी। गुड नाइट बाबी। सुपर सुपर यम्मी स्क्रैम्बल्ड एग्स। इंडिया में हम इसे अंडा भुर्जी कहते हैं। सॉस देना। सॉस। हेमू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं। अरे बोलो ना बाबूदी। इज एवरीथिंग ओके बिटवीन यू एंड आस्था? हाँ क्यों नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कल रात जब मैं नीचे आई तो वो फ़ोन पे पीपलिका से बात कर रही थी और मुझे ऐसा लगा कि वो दोनों तुम्हारे बारे में कुछ घुसपुस कर रहे थे। तुम्हें पता है आई हैव सच अ गुड सिक्स्थ सेंस अबाउट दीज थिंग्स। सिक्स्थ सेंस फॉर गॉसिपिंग? अरे नहीं यार, उसके चेहरे पे भी वही गिल्ट था जो मेरे चेहरे पे था। रात को विस्की पी रही थी? अरे वो टिम्सी का स्ट्रेस है। एनीवे दिस इज नॉट अबाउट मी। This is about Aastha and Peeplika becoming friends. मुझे लगता है पीपलिका कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। देखो मेरे लिए नहीं लेकिन मॉम डैड के लिए। आस्था घर की बहू है, कुछ तो बाउंड्रीज होनी चाहिए ना उसकी। आई मीन आई नीड गर्ल्स लाइक पीपलिका इन द स्टेट्स। बाबूजी, आस्था टिम्सी नहीं है। मुझे रात को छुप छुप के दारू नहीं पीनी होती। हम सहेलियाँ हैं, बातें करती हैं। छुप छुप के बातें करती हैं, रात को बातें करती हैं। रहने दो बाबूजी। मैंने आस्था से कहा था पीपलिका से दोस्ती कर ले, वो खान के चक्कर में। अब उनकी अच्छी दोस्ती हो चली है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? एग्स। ऑफिस में जाके अंडा भुर्जी मंगवा लूंगा। पता है ये ना सीधे दिल तक जाती है। तुम्हारी तो बड़ी सारी नसें दिल तक जा रही हैं। कौन कौन रहता है इन दिस दिल ऑफ योर्स? कितने आशिक है मेरे, मैं तुम्हें क्या बताऊं मेरी जान। पर तुम जैसा कोई नहीं। Did you like it? I knew you would. पता है तुमसे पहले सबसे पहले अंगूर थे मेरा फर्स्ट लव। घर खाली बार खाली ये गली भुलाने वाली दिन के सवालों पे रातों का जवाब। घर खाली बार खाली ये गली भुलाने वाली दिन के सवालों पे। जब ए स्टैंडर्ड में बाकी लड़कियों ने लिपस्टिक आईलाइनर और ब्लश डिस्कवर किया तो मैं मिट्टी में स्कल्पचर्स ढूंढ रही थी। देखो वो भी बन गए हैं कल के इमारतों पे आज का हिसाब। खामखाई गिन रहे हो यूं ही दाने चुन रहे।
हम वो सदी जो मेरा फर्स्ट लव भी बिल्कुल अतरंगी था। मेरी क्लास की सारी लड़कियां कतार लगाती थी वैभव विशाल को देखने के लिए, 10B का हंक, पर मेरी नजर कहीं और ही थी। God, she was so beautiful. Her hair, her hands, skin itni soft thi uski. Mudai ghum jana sadak ki tarah, chabi jaise kho jana, kagaz jaise ur jana, chota shahar pehne des ka naqab. कोई जादूगर मिल जाए जो हमें उधार देगा, दिन के सवालों पे रातों का जवाब, जो बचा के रख चुके हो देखो वो भी बन गए हैं कल के इमारतों पे। वो पहली थी, आज का हिसाब खाम खाए, फिर और आए, फिर और हम वो सदी जो बीत जाएगी बेमतलब 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 बेमतलब। बड़ी हो गई, प्यार हो गया, वो भी एक मुस्लिम से, एजाज। He accepted me without question. तुम्हें पता है वो feeling, freedom, freedom to be what you are, absolutely. पर मेरी family उसे accept करती? Impossible. But who cared? आखिरी सीट पर हम हौसला हमारा मध्यम, आखिरी सीट पर हम हौसला हमारा मध्यम, दिल से फकीर देखो भेस से नवाब। मेरे लिए मंजिल से ज्यादा वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूरी था और उसे हमेशा मैंने खुद चुना है। अलग has always appealed to me. अलग तो तुम हो। एक बात पूछूं? Men और women दोनों से प्यार कैसे हो जाता है? Pansexual हूँ, रूह से मोहब्बत करती हूँ, जेंडर से नहीं। पैनसेक्सुअल, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे मॉम डैड, वो जानते हैं? उन्हें पता है? पापा गुजर गए। I'm so sorry. दोबारा शादी हो गई। नाइस गाय। पर अब मेरी लाइफ में माँ यहाँ है बस। एजाज को कभी एक्सेप्ट नहीं किया पर वो तुम्हारी माँ है, इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, इसीलिए उनके लेटर संभाल के रखे हैं ना? हाँ, संभाले। They remind me to never see her face again. काफी? Thank you.
ये देखिए मैम। नहीं नहीं ये नहीं, आप दूसरा दिखाओ। ठीक है मैम। आई कांट बिलीव तुझे टाइम मिल गया मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए, वरना पूरा टाइम वो पीपली पीपली पीपली। तुम लोग की दिल्ली की गर्मी में शॉपिंग कैसे कर लेते हो, सब बाहर होता है। अमेरिका में तो एटलीस्ट मॉल्स आ गए। आप वो रानी पिंक वाली दिखाओ, रानी पिंक। हाँ वो दिखाओ, दिखाओ। ये देख। हाँ ये सही है, ये कैसी है? अच्छी है। ठीक है ये रख दो साइड में, और आप मुझे ऐसे ही दो तीन और दिखाओ। बबू दी वो मुझे ज़रा पार्लर आईब्रोज कराने में हुआ। हाँ तो रुक जाओ, तो दोनों बहनें साथ में करवा लेंगी। ओ अच्छा, हेमंत के लिए कुछ स्पेशल करवा रही है। चल हुआ, मैं इधर ही मिलूंगी या फिर दो दुकानें छोड़ के इधर मिल जाऊंगी तेरे को। जी जी मैं जल्दी आई। ओके यार ये कैसे कर। सॉरी मैडम, बैरिकेड से आगे रिक्शा नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, आधे घंटे के लिए रुक जाना प्लीज। हर आधे घंटे का 30 रुपए लगेगा। हाँ ठीक है ठीक है। सुनिए मैडम जरा जल्दी आइएगा, हमें भी टाइम पे घर पहुँचना है। जी जी I would never write to her. पर आपकी ये चिट्ठी आपकी। My mother must have written to her. She still loves her. उन्हें बहुत दुख हुआ था when Piplika Khan left the house. Auntie, ma'am. वो दिल्ली में ही है, पीपलिका बारखंबा रोड पे रहती है। आई एम श्योर आपको पता होगा एजाज की डेथ के बाद। आई डू नॉट थिंक यू अंडरस्टैंड, मेरे 3 बच्चे थे अब 2 हैं। पीपलिका इज डेड टू मी। Really sorry to hear that, but Piplika is alive and well. वो एक बहुत amazing लड़की है, काफी inspirational है। Inspirational? What exactly is your relationship with her? जी दोस्त। आ मिसेस कपूर, और क्या आपके हस्बैंड आपकी इस दोस्ती के बारे में जानते हैं? अगर उसने आपको यहाँ भेजा है तो प्लीज उसे इन्फॉर्म कर दीजिए दैट शी इज नॉट वेलकम इन माय हाउस। एंड कुड यू बी सो काइंड एज़ टू टेल हर दैट हर नेम हैज बीन टेकन ऑफ आवर विल। शी इज बैड न्यूज, ऑलवेज वॉज। उसे ठीक करने की कोशिश की थी मैंने, काफी लड़कियों की जिंदगी खराब की है उसने, कुछ मर्दों की भी। एजाज़ डेथ शुड बी प्रूफ इनफ। यू शुड वॉच योर स्टेप मिसेस कपूर। आई एम सॉरी,
हटो। ऑटो रुको रुको रुको, दिल्ली हाट चलना प्लीज, जल्दी जल्दी। आई थी यहाँ पे शाम को वो एक लेडी के साथ, वो कहाँ है? मैडम 100 कस्टमर आते दिन में, मुझे क्या पता आप किसकी बात कर रही हैं। भैया वो उन्होंने खरीदा था कुछ। अंग्रेज की औलाद, ये लो। भगवती, भगवती, I'm sorry। आस्था आईब्रो ही बनवाने गई थी ना तुम? What took you so long? अरे तुम गई कहाँ है वहाँ से? मैं पीपलिका। Oh my God, we're back to पीपलिका। Here we go again। हेमंत तुम सुन रहे हो? मुझे उस माहौल में अकेला छोड़ के वो उस बेवा से मिलने चली गई, वो भी झूठ बोल के। मैं बता। आस्था फैमिली फैमिली होती है, दोस्त दोस्त होते हैं। दोस्तों के लिए तुम फैमिली को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। तो कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं तुम्हारी? I can't even take an auto in Delhi anymore. It's really difficult for me. ऐसे एक्सीडेंट के साथ 3 गुना पैसा ले लेता ऑटो वाला, और डेंजर अलग। मैं तुम्हें पैसों की बड़ी हुई। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं बताती हूँ तुम्हें हुआ क्या है। एक सिटी मारती है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे टैक्सी रुक जाती है, यहाँ पे उसको आदत ही नहीं है। मामा आप, अरे इट्स रिडिकुलस, आप ना इसको ना बहुत ढील दे रखी है। पीपलिका जी, पीपलिका का फोन। कैसी हैं आप? हाँ हम सब ठीक हैं। अच्छा आपसे कहना था कि इस माहौल में आपका और आस्था का मिलना जुलना बंद होना पड़ेगा। आपकी लेन बहुत डेंजरस है और आस्था के लिए भी अच्छा नहीं है। इट्स ऑलराइट हेमंत, आप मेरा एक मैसेज आस्था को पास कर दीजिएगा। आज जो हुआ उसके बाद मुझे उसकी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखनी। बंद हो गया साड़ी वाड़ी खरीदना सब कुछ। Thank you.